संत सुमति तिय सुभग सिंगारु जगमंगल गुण सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विबुद वेद भव भीम रोग के इच्छा माई समन ताप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के काम को कलिमल करिगन के हरि सावक जनमन बनु के मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के अभिमत दानी देव तरुबर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से सकल सुकृत फल भूरी भोग से जगहित निरूपधि साधु लोग से कुपथ कुतरक कुचाली कली कपट दंब पाषंड रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सबका संत सुमति तिय सुभग सिंगारु राम संत सुमति तिय सुभग सिंगारु रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति तिय
सुभग सिंगार। कली पावन अवतारी बाबा तुलसीदास जी, वंदना के अनुक्रम के पश्चात रामचरितमानस इस महाग्रंथ की महिमा क्या हो सकती है वर्णन कर रहे। हकीकत यह है कि जिसके विषय में हम जितना जानते हैं उतना ही हम उसके प्रति प्रेम करने लगते हैं। जाने बिनान होय परतीति, और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। तो बाबा इशारा कर रहे हैं कि जिस रामचरितमानस इस ग्रंथ को हम लोग गाएंगे सुनेंगे, बाबा कहते कि उसकी महिमा क्या है। जैसे इसके पूर्व प्रवचन में हमने सुना, बाबा इस 32वें दोहे के अंतर्गत कह रहे हैं कि रामचरित कैसा है, यह राम कथा कैसी है। तो बाबा इसको उपाधि दे रहे, उपमा दे रहे, किसकी? चिंतामणि। अब चिंतामणि ये क्या होता है? देखा तो किसी ने भी नहीं है, सुना जरूर है। और कहते हैं कि ये चिंतामणि जो रत्न है, ये समुद्र मंथन से निकला, जैसे कौस्तुभ मणि निकले ना, ऐसे चिंतामणि भी, जैसे कल्प वृक्ष भी समुद्र मंथन से एक रत्न करके। किंतु कहते हैं कि भाई ये स्वर्ग में है, तो पहले तो स्वर्गवासी होना पड़ेगा, अर्थात मरना पड़ेगा, मेल्याशिवाय काही स्वर्ग दिसत नाही, मराठीत म्हण आहे ना। फिर चाहे देखेंगे कि भाई चिंतामणि क्या है, अब ये छोड़िए बातें, लेकिन चिंतामणि का अर्थ इतना ही होता है, वह ऐसी मणि है जैसे मणि पन्ना है, हीरा है, लाल है, मूंगा है, मोती है, जो भी है, इनकी अपनी अपनी एक महिमा है। किंतु चिंतामणि नामक रत्न की अपनी ऐसी एक महिमा है, यदि वह तुम्हारे पास है तो आप जो चिंतन करो वह आपकी पूर्ण हो जाती है। अब चिंतामणि को तो हमने देखा नहीं, किंतु बाबा तुलसीदास जी कहते कि यही चिंतामणि रत्न की उपमा हम रामचरितमानस को दे रहे। चिंतामणि देखा नहीं ना, रामचरितमानस देखा है। तो बाबा के शब्दों पे यकीन करिए कि रामचरितमानस चिंतामणि है। तो चिंतामणि की महिमा क्या है बोलो? जिनके पास में वह चिंतामणि रत्न है, जो चिंतन करो वो पूर्ण हो जाएगा। कौन सा चिंतन करो? अब ये तो नहीं कहा, शुभ करो या अशुभ करो, तुमको मिल जाएगा। तुमने यदि सोचा कि भाई हमको भूख लगी, खाना चाहिए, तो आपके पास खाने की थाल आ जाएगी। और आपने यदि सोच लिया कि थाल तो आ गई लेकिन यहाँ कोई दिखाई नहीं देता, खाने का सामान आ गया, यहाँ कोई भूत तो नहीं है, तो भूत भी आ जाएगा, क्योंकि भूत का चिंतन हुआ, भूत तैयार। तो चिंतामणि रत्न जो चिंतन करो, तुमने खाने का चिंतन किया, खाना तैयार, तुमने भूत का चिंतन किया तो भूत भी तैयार। और तुम यदि भगवत चिंतन करोगे तो, अब ये भगवान का चिंतन करो तो भगवान तैयार हो जाएंगे। ये भगवान कोई चिंतामणि के बस में नहीं है, किंतु रामचरितमानस एक ऐसी चिंतामणि है
कि वह भगवान को भी प्रकटा सकती है, भगवान को भी दे सकती है। स्वर्ग की चिंतामणि में यह ताकत नहीं है। बाबा कहते स्वर्ग की चिंतामणि आपने देखी नहीं है, सुनी जरूर है, लेकिन बाबा कहते मेरे वचनों पे यकीन करो। और मैं कह रहा हूं कि राम कथा, ये रामचरितमानस चिंतामणि चारु, रामचरित रामचरित चिंतामणि चारु। चारु माने अच्छी, रुचिकर। चारु का मतलब क्या? बहुत अच्छी है। चिंतामणि चारु। अब ये चिंतामणि कैसे रामचरितमानस आपके पास में है? तो आप पढ़ोगे विभीषण का चरित्र तो आपको चिंतामणि मिल जाएगी। कितना अच्छा समर्पण है विभीषण का, कितना अच्छा प्रेम है केवट का। मिल गया आपको रास्ता, यदि इसको करीब ले लिए तो। फिर आपने देखा कि भाई रावण ने उत्पात कर दिया और उत्पात के बलबूते उसने सबको अपने वशीभूत कर लिया था, है ना, पूरे संसार को उसने। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, कर जोरे सुर दिसिप विनीता, ब्रुकुटी बिलोकत सकल सभीता, ब्रुकुटी बिलोकत। कर जोरे सुर दिसिप विनीता। रावण के समक्ष हाथ जोड़े सारे खड़े रहते थे, देवता, यहां तक कि यमराज भी, काल भी। और रावण की भ्रुकुटी निहारते कि कोई इशारा हो जाए तो हम लोग वैसा करना शुरू कर दें। अब उसने इतनी ताकत कहाँ से प्राप्त की? तो कहते हाँ, उसने तपस्या की और तपस्या के फल स्वरूप आतंक बढ़ाया। अब आप भी यदि रावण का पात्र समझकर चलो हम भी ऐसी शैतानी करेंगे, आप अगर ऐसा सोच लेंगे तो फिर आप हो सकते हैं कि आप रावण के जैसा होने लग जाओगे। और फिर यदि आप रावण के जैसा होने लग जाओगे तो फिर कोई उत्तर प्रदेश का योगी जैसा आ जाएगा, ले चला बुलडोजर, जहाँ भी दिखा तो मटिया मेट कर देना, माफिया को मट्टी में मिला दूंगा, हो जाता है। चला 44 चाल तक शासन चला, किंतु कभी न कभी ऐसा हो जाता है। तो रामचरितमानस में रावण का भी चरित्र है, आतंक का भी चरित्र है, तो प्रेम का भी चरित्र है, तो बंधुत्व का भी चरित्र है कि रावण ने हमजोली की बंदरों से, न कि अयोध्या से सेना बुलाई कि भरत भाई हमको ये रावण को मारना है, चलो अयोध्या की सेना भेजो, एक मोबाइल कर दे तो आ जाता। लेकिन जो उनके पास में था बंदरों से, प्रायः चंचल बंदर, और उन्हीं के द्वारा वानरा हाथी घेवविली लंका अनि धन्य धन्य मने तुका, बंदरों से ले लिया। तो ऐसे ऐसे चरित्र आपको मिलेंगे कि वाकई चिंतामणि, चिंतामणि माने जो आप होना चाहो वैसा हो जाओगे। किंतु घबराना मत, आप यदि रामचरितमानस स्वरूप चिंतामणि को स्पर्श करोगे तो ये चिंतामणि चारु, चारु माने आपके विचारों को, आपके विचार को उजागर करते हुए मार्गदर्शन करेंगे। और रामचरितमानस कैसा है? संत सुमति तिय
दूसरा राग बदलावो संत सुमति तिय सुभग सिंगारू 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 जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुति धन धर्म दाम के दानी मुकुति धन धर्म दाम के दानी मुकुति धन धर्म धाम के मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी एक मात्र फर्क बोल दो तो बाबा कहते कि भाई रामचरितमानस चिंतामणि है, जो चिंतन करो इच्छा पूर्ति हो जाएंगे, किंतु घबराना मत कि हम रावण जैसे हो जाएंगे, मत घबराना, क्योंकि संत सुमति तिय सुभग सिंगारु, जैसे संतों की मति सुमति होती है ना, तो रामचरितमानस जैसे सुमति स्वरूप युवती का श्रृंगार है, यानी कि आपकी मति कभी दुष्टता की ओर नहीं जाएगी। संतों की मति दुष्टता की ओर होती है क्या? संत सुमति, संतों की सुंदर मति स्वरूप युवती का ये श्रृंगार है। संत सुमति तिय सुभग सिंगार जग मंगल गुण ग्राम राम के निसर मम बने निद पद सार निदनी पद रिम पद मदम परिनी। पूरी दुनिया का मंगल करने वाले ये राम जी के गुणग्राम है, पूरी दुनिया का, अर्थात विश्व मंगल, न कि भारत मंगल का, जग मंगल, पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का, पूरे ब्रह्मांड का, सबका मंगल हो यदि आप चाहते हो तो बाबा कहते हैं ये मेरी राम कथा का आश्रय करो, पूरी दुनिया का मंगल हो जाएगा। यूक्रेन और बरस रहे रूस, खबर नहीं 12 महीने से आगे का समय हो गया। मानो तुलसीदास जी बाबा कहते एक बार आप मेरी राम कथा पढ़ लो, या तो रशिया पढ़ ले अथवा यूक्रेन पढ़ ले, पुतिन पढ़ ले या जेलक्सी पढ़ ले, तो तुमको बात समझ में आ जाएगी कि बात क्या होती है। हाँ, महाभारत में अधिकार के लिए जरूर लड़े, हक के लिए लड़े, लेकिन रामचरितमानस ये हक की लड़ाई नहीं है, ये तो धर्म और अधर्म की लड़ाई है बस। रामचरितमानस में हक वाली लड़ाई नहीं है। एक बार तो ऐसा हुआ कि विभीषण जी आए और लंका का राजा है ना, सुंदरकांड में लंका का राज्य उसको दे दिया। किसको दिया? विभीषण को। फिर सेनापति जो सुग्रीव वे ठहरे, सेनापति आए और राम जी से बोले भगवान आपने लंका का राज्य दे दिया, लंका का राजा बना दिया, बोनस में एडवांस में बना दिया, अब लंका का राज्य तो हाथ में नहीं रहा, अब रावण से आप लड़ाई करोगे और उसको मारना पड़ेगा तब तो लंका का राजा विभीषण बन पाएगा, पर युद्ध के पहले ही यदि रावण
आपके शरण आ जाए। लंका का राज्य विभीषण को दे दिया, अब रावण को क्या दोगे, क्या करोगे? देखो हक की लड़ाई नहीं है, धर्म अधर्म की लड़ाई है। जो आवश्य रावण शरणागत करी है, तो राम जी कहते तुम्हारी अयोध्या आपिश, हमारी अयोध्या, मैं अपनी अयोध्या का राज्य उसको दे दूंगा रावण को, हमारी अयोध्या आपिश अने वैभव राज्य समेत। फिर आप क्या करोगे? बोले हूँ कनिष तपोवन माँ जाई और राज कर से रावण राय। मैं वन में जाके तपस्या करूंगा और राज्य कौन करेगा? रावण राय। पर विभीषण ने जे लंका आपी ते मिथ्या नव थाय। पर मैंने जो विभीषण को लंका दी है, लंका का राजा बनाया, वो मिथ्या नहीं, यानी कि हक के लिए लड़ाई नहीं, धर्म और अधर्म न कि सीता के लिए लड़ाई है। कई सीताओं को जो ऐसे अपहरण करके लाता था, ऐसे अधर्म की लड़ाई को बचाने के लिए ही राम रावण वाला युद्ध है। तो बाबा कहते हैं कि भाई जगत का मंगल तो तब होगा, जैसी चीन की चाल, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, अब सबको जीने दो, सबको रहने दो, जो जहाँ है जैसे है आनंद करो, अपनी अपनी उन्नति करो। किंतु किसको इतना चाहिए, किसको उतना चाहिए, किसको उतना चाहिए, धुर्यावर से भांडन जाला म्हणता, खाने दो, थोड़ा सा खाता है तो, ज़्यादा नहीं खाने देना, थोड़ा खाता है तो खाने दो। पर ये जो झगड़ा होता है, तो बाबा कहते कि एक बार भी यदि ये झगड़ालू स्वभाव वाले मेरे रामायण को पढ़ ले तो बात समझ में आ जाएगी कि जग मंगल, दुनिया का मंगल यदि किसी से होगा तो मेरे राम कथा से होगा। जग मंगल गुण ग्राम राम के, और राम कथा पढ़ने से क्या होगा? दानी मुकुति, ऐसा दान मिलेगा आपको कि मुक्ति मिलेगी, धन मिलेगा, लौकिक धन भी, लौकिक संपदा भी और पारलौकिक संपदा भी, आपको मुक्ति मिलेगी, धन मिलेगा, धर्म मिलेगा और अंततः भगवान का धाम भी मिलेगा। ऐसी मेरी राम कथा की महिमा है। आगे तुलसीदास जी बाबा कहते हैं, मेरी राम कथा कैसी है? सदगुरु ज्ञान विराग योग के, ज्ञान और विराग और योग लाने के लिए ये सदगुरु का काम करेगा, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान वैराग्य और योग क्या होता है नहीं समझ में आएगा। गुरु चाहिए, गुरु बताएगा योग आपका क्या है, गुरु बताएगा ज्ञान वैराग्य तुम में कैसा है। तो ये सदगुरु का काम करेगा, ज्ञान वैराग्य और योग लाने के लिए सदगुरु का काम करेगा। और सबसे बड़ी बीमारी ये मोह की बीमारी है। मोह सकल व्याधि न कर मूला, ये कैसे मिटे यदि आप चाहते हो? तो बाबा कहते कि विबुध वैद भव भीम रोग के, विबुध माने देवता, देवताओं के जो वैद्य अश्विनी कुमार जो सारी बीमारी की दवा करते हैं। तो ये मेरी जो राम कथा है, ये भव रोग को, मोह के बीमारी को मिटाने के लिए कौन से वैद्य? देवताओं के वैद्य, यानी अश्विनी कुमार जैसे है कि जिनके सामने अकाट्य दवा है। यदि रामचरितमानस पढ़ोगे तो आपका मोह, आपकी माया, आपकी भाव की बीमारी ये जन्म जन्म की चली जाएगी। और बाबा कहते जननी जनक सिय राम प्रेम के, जैसे माता पिता प्रेम करते ऐसे सीताराम जी का प्रेम उत्पन्न करने के लिए ये राम कथा आपके लिए जननी जनक है, माता पिता के समान है। और बीज सकल व्रत धर्म नेम के, हमने क्या व्रत धर्म नीति नियम करना चाहिए ये भी रामचरितमानस में पढ़ाएगा, क्योंकि ये बीज स्वरूप है। जैसे बीज से पौधा उगता है, तो आप क्या धर्म का पालन करें रामायण पढ़िए, आप कौन सा नियम रखें रामचरितमानस पढ़े, आप कौन सा व्रत करें रामायण में मिलेगा। तो कहते इन सब का बीज वह है, और समन पाप संताप शोक के, आपका पाप ताप संताप समन करने के लिए
और प्रिय पालक पर लोक लोक के सचिव सुबट भूपति विचार के। विचार स्वरूप राजा के लिए ये सचिव है यानी अच्छी मंत्रणा करने वाला है। तो कुंभज लोभ उदधि अपार के काम को हम कलिमल करिगन से के हरि सावक जन मन बन के अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद घन दारिद दवारी के मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। कहते कि ये महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल मंत्र महामणि। जैसे एक महामणि होता है ना तो जो सर्प का विष होता है उसको उतार देता, जो सांप का मणि होता है ना उसको जहाँ सांप काटा है उस जगह पे ऐसा लगा दो तो सांप का जहर उतर जाता है। ऐसे ही ये महामणि है कि आपकी भव की बीमारी, भव का जहर, माया का जहर उतारने वाला। और मेटत कठिन कुअंक भाल के आपके भाग्य को भी निर्माण करने वाला ये रामचरित मानस है। हरण मोह तम दिन कर कर से जीवन धन से सक्सु कवि शरद नव मनउडगन से राम भगत जन जीवन सकल सुकृत फल भूरि भोग से जगहित निरुपधि साधु लोग सेवक मन मानस मराल से पावन गम कुपत कुतरक कुचाली कली कपट दंब पाषंड कुपत कुतरक कुचाली कली दहन राम गुण ग्राम जिमी इंधन अनल प्रचंड दहन राम गुण प्रचंड मंगल भवन अमंगलहारी त्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी मंगल भवन जैसे समस्त पुण्य यदि हो तो आपको तमाम तरह के भोग उपलब्ध हो जाएंगे। सारे भोग जो मिलते हैं वो अपने पुण्य के कारण, और जो ताप होता है वो अपने पाप के कारण, ऐसा बताते हैं। तो सकल सुकृत फल भूरि भोग से समस्त भोग हमें जो प्राप्त होते हैं पुण्यों के कारण, और जग हित निरुपधि साधु लोग से। एक साधु ही ऐसा होते हैं कि जिनका दुनिया को कोई भय नहीं होता। साधु संतों से साधु जो जीता है वो हमेशा परोपकाराय सताम विभूतया, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये पुण्य स्वरूप मेरी रामचरितमानस है। साधु लोग जैसे दुनिया का हित ही करते हैं, ऐसे ही ये मेरी राम कथा भी मात्र दुनिया का हित करने के लिए। सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से। जो सेवक यानी जो इसकी सेवा करेगा, रामचरित मानस को सेवन करेगा, तो उनके मन रूपी मानस सरोवर में मराल माने हंस की तरह भर देंगे। और मेरी राम कथा कैसी है कि जैसे गंगा का जल पावन है, ऐसे गंगा की तरंगों के समान मेरी चौपाइया है। अर्थात आपके मन को, आपके जीवन को शुद्ध कराने वाली है। तो कुपत कुतरक कुचाली कली कपट दंभ पाषंड। कलिकाल का प्रभाव क्या होता है कि मन में कुतर्क रहेगा, कुपंथ से चलेंगे और दूसरे के प्रति टेढ़ी चाल से चलेंगे, और कपट करेंगे, दंभ करेंगे या पाखंड करेंगे। ये होता है कलिकाल का स्वभाव। कलिकाल में जीने वाला जीव इसमें स्वाभाविक तरह से जी लेगा, किसमें, अच्छे रास्ते से नहीं चलेगा, कुपथ।
अच्छा तर्क नहीं करेगा निगेटिविटी कुतर्क, और अच्छी चाल नहीं चलेगा किससे भी कुचाल चलेगा कि जिससे कि उसको नुकसान हो, ठीक है। और कलिकाल की विशेषता क्या है, कपटी रहेगा, कपट, दंभ, दिखता तो नहीं है तो नहीं और दिखने का प्रयास करेगा, दंभ और पाखंड करता है। राम जी कहते ये सब ईंधन को जलाने के लिए, कलिकाल को जलाने के लिए ये मेरा मेरी राम कथा, ईंधन अनल प्रचंड दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। ईंधन क्या है, ये सब बातें, कुपंत से चलना, कुतरक करना, टेढ़ी चाल से चलना, कपटी होना, दम्भी होना, पाखंडी होना, ये सब ईंधन है। और ईंधन जो होता है वो आदमी को धन धन नहीं बनाता, अर्थात उसको अशांति की ओर ले जाता। तो बाबा कहते हैं कि भाई ये राम गुण ग्राम ऐसी अनल है, ऐसी अग्नि है कि ये तमाम ईंधन जो है जल के भस्म हो जाएगा। अतः रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू। जैसे राकेश माने, राकेश माने क्या होता, राका माने रात्रि, ईश माने ईश्वर। तो रात्रि का जो ईश्वर होता है जिसका नाम चंद्रमा है, चंद्रमा का प्रकाश सभी को अच्छा होता है, शीतलता देने वाला होता है। तो बाबा कहते रामचरित राकेश करो सरिस सुखद सब काहू, सबको सुख देने वाला है रामचरित मानस चंद्रमा के समान। किंतु सज्जन कुमुद चकोर हित चित हित विशेष बड़ लाहू, किंतु चकोर को ज़्यादा आनंद आता है चंद्रमा में। ऐसे ही संतों का मन चकोर होता है तो संतों के लिए तो ये विशेष लाभदायी है। इस तरह 32वें दोहे में राम कथा की महिमा बाबा ने गाई है, और इसके आगे जो भी प्रसंग होंगे हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। श्री राम जय, राम जय जय राम जय, श्री राम जय, राम जय जय राम, श्री राम। श्री राम जय, राम जय जय राम जय, श्री राम जय, राम जय जय राम, 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 श्री राम जय, राम जय जय राम। राम सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, श्री नर्मदा मैया की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभू। हाँ जय सियाराम।